गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यूजी यस बच्चों तो आज हम शुरू करें नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फटाफट फड़ से सारे चैप्टर ख़त्म करेंगे तो इस वीक ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होने वाला है तो बहुत फास्ट चल रहे हैं हम ताकि हम सारा सेशन कवर कर सकें सारे चैप्टर अपने नीट ट्वेंटी के पहले ख़त्म कर सकें तो फटाफट से जुड़ जाओ यस yes, बच्चा पार्टी हाय अंशु हेलो बच्चों भाई हमारा सेशन बिना दिल के शुरू नहीं होता है और बच्चे ये भूल जाते हैं तो हम तो भूलते नहीं भाई तो जल्दी से दिल बना दो चैट सेक्शन में खूब सारे दिल एंड लेट मी स्टार्ट दिस सेशन विद माय इंट्रोडक्शन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरणवाल ए नाम है पी गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम एस रामया डेंटल कॉलेज सो अपार्ट फ्रॉम ए डेंटिस्ट, आई एम वेरी पैशनेट एडुकेटर और आज कर रहे एक नए चैप्टर का श्री गणेश आरम्भ जिसका नाम है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट हाई अंशिका अनिश्का, यस एक सेकेंड हमारे ए सी जी आज कूलिंग थोड़ा कम कर रहे हैं ऐसा कहा रहा है चलिए ओके okay, बच्चों तो बेटा अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इजी पीसी तरीका है लेट्स क्रैक नीट यूजी टाइप करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो साक्षी हंड्रेड टाइप करेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन माई इंस्टा सॉरी टेलीग्राम ग्रुप बहुत बढ़िया रिवीजन तो करना बनता है तो बच्चों ये आप, आप को डेफिनेटली इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम नामैडमी लर्निंग एप फ्री एजुकेशन मिल रहा है स्पेशल क्लास के फॉर्म में जो कि टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ले रहे हैं सेवेंटी प्लस एजुकेटर इस समय बेस्ट एजुकेटर नीट के प्रेजेंट है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे इसके अलावा और क्या मिलता है आपको मिलती है क्विजेज और मिल रहा है कॉम्बैट जिसमें आप स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट तक पा सकते हैं ये सारी चीजें आप अनलॉक कर सकते हैं विद अ कोड साक्षी हंड्रेड जैसे ही ये लगाएंगे यू विल अनलॉक ऑल दी फ्री स्पेशल क्लासेस टेकन बाय दी टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया मरा जीरो नहीं रहा है साक्षी हंड्रेड होगा वन जीरो जीरो ठीक है इसके अलावा अगर आपको अपनी पढ़ाई को लेवल अप करना है तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही है डेली लाइव क्लासेस वेरी वेरी इंटरक्टिव जस्ट लाइक योर क्लासरूम प्रोग्राम इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मिलते हैं और आपको साथ के साथ बहुत सारे बैचेस मिल रहे हैं क्योंकि 70 प्लस एजुकेटर हैं जैसे मैंने बताया तो सबके बैचेस रन करें पी सी बी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप जिससे भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं जितने बजे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो उसका बड़ा भाई है जहाँ पे आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है जो कि डेली बेसिस पे आपको गाइड करेगा कि पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाना है तो बस आपको इसमें एनरोल करने के लिए क्या करना है चूज योर गोल ऑन एनडमी लर्निंग ऐप चूज द सब्सक्रिप्शन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आपके क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन चूज द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इतना जान लो और लेते वक्त रिमेम्बर द कोड साक्षी हंड्रेड फॉर इमीडिएट टेन परसेंट डिस्काउंट और ये कोड लगाएंगे तभी आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं आई विल आई एम गोइंग टू पर्सनली गाइड यू ये मेरा रेफरल कोड है सो यू कैन गो बेद फॉर एनी अनलॉकिंग एंड सब्सक्रिप्शन तो शुरू करते हैं ये वर्ल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट तो आपको जैसा पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैम आप सारा चैप्टर करवा क्लास करवाओगे बेटा 5 पीएम और 8 पीएम कंटिन्यूएशन है दोनों क्लास का ठीक 5 पीएम के बाद 8 पीएम होता है क्योंकि मैं एक स्ट्रेस में दो क्लासेस नहीं लेना चाहती मतलब एक स्ट्रेस में अगर मैं दो घंटे की क्लास खींच दूंगी तो आप बीच में ना कहते हैं डिस्ट्रैक्ट और बोर होने लगते हो इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 5 पीएम के बाद 8 पीएम उसका कॉन्टिन्यूएशन रहेगा हमेशा फिर अगले दिन 5 पीएम उसका अगला पार्ट रहेगा ठीक है तो ऐसे करके हम सारे चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाले ठीक तो बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होता है किस चीज का गैमीट फॉर्मेशन होता है तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा स्पर्म और ओवा बन रहे थे क्या बन रहे थे स्पर्म और ओवा और प्लांट में क्या बनता है प्लांट में भी गैमीट फॉर्मेशन होता है लेकिन किन में फ्लावरिंग प्लांट जो मोस्टली क्या होते हैं एनजीओ होते हैं कौन होते हैं एनजीओ होते हैं एम आई करेक्ट एम आई करेक्ट यस नहीं बेटा 5 पीएम देखो अंशु जो चैप्टर करवाते जा रहे हैं उसके बाद उसका क्वेश्चन सेशन कराती हूँ उसके बाद उसका क्वेश्चन सेशन कराती हूँ तो जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी खत्म होगा तो इसके भी क्वेश्चन कराएंगे तो सीरीज़ में जो क्लासेस पढ़ती जा रही हैं वो होते जा रही हैं कल 5 पीएम अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लास ही रहेगी ठीक है कल क्वेश्चन नहीं रहेगा और डेली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है वो स्पेशल पे हो रहा है 1 पीएम जिसमें डेली मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ठीक है अभी सिलेबस और हर चैप्टर के एंड में आपके लिए क्वेश्चन होते हैं क्या आप उस चैप्टर को कितना समझ पाए आप जान लोगे तो शुरू करेंगे पी महेश्वरी जी जो कि फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के हैं और इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपके पास साइंटिस्ट की लिस्ट और आपने अभी तक इनका नाम नहीं लिखा है तो प्लीज़ नोट इट डाउन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में ठीक है प्रोफेसर पी महेश्वरी फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन सी बुक लिखी है बच्चों एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ इन्होंने यही किताब लिखी है जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है कल्चर क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताते चल रहे हैं कि आगे नाम आएगा तो डो नॉट गेट कंफ्यूज कि ये क्या था और वो क्या था तो फ्लोरी कल्चर क्या है साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स तो फूल को उगाना उसको ब्रीड कराना कल्टीवेट करना और फिर उसको मार्केट करने के पूरे जो ये स्ट्रैटेजी होती है पता है ना? जगह जगह हर सिटी में अपना फूल मंडी होता है मंडी समझते हैं मंडी मतलब बाजार उस चीज़ का तो सुबह सुबह ये मंडी लगती है ठीक है जहाँ फूल ही फूल बिकते हैं और ये फूल कैसे ये फ्लोरिकल्चर के थ्रू ही उगाए जाते हैं ठीक है ये फूल मार्केट में तरह तरह के वैरायटी ऑफ फूल आपको मिलते हैं वो वाले अंग्रेजी के फूल के बारे में बात नहीं करी हूँ हिंदी वाले फूल के ठीक है पता चला सुबह सुबह फूल ढूंढने चलेगा तो कैप्सूला क्या कहलाता है टिपिकल एनजीओ जब आपसे ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगेन दिस हेज कम इन प्रीवियस ईयर आपको बहुत बार एन भी बोला है कि इट्स क्लासिकल टिपिकल एनजीओ स्पर्म में आप ऐसा देखते हो टिपिकल एनजीओ स्पर्म में आप वैसा देखते हो बस टिपिकल एनजीओ स्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, है कैप्सिला तो कहते हैं हेटरो का मतलब अलग हेटरो का मतलब कई तरह के तो हेट्रोस्पोर जब होंगे स्पोर कई तरह के होंगे और होमोस्पोर जब होंगे जब स्पोर एक जैसे होंगे मेल स्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर फीमेल को कहते हैं मेगा स्पोर अगेन क्यों क्योंकि इनके साइज में अंतर होता है फीमेल स्पोर्स बड़े होते हैं मेल स्पोर्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं तो मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर क्लियर है ये टर्म्स टर्मिनोलॉजी अ थम्स अप अब फ्लावर और उसके पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर और उनके पार्ट में क्या क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू गोई थी फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट डेफिनेटली क्योंकि शूट से ही फ्लावर आगे जाके बन रहा है तो इट इज अ मॉडिफाइड शूट डेफिनेटली फ्लावर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इसीलिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन केवल फ्लावरिंग प्लांट में हो, होता है क्योंकि आपका ये फ्लावर का फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है तभी केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल बेटा ये एनसीआरटी कोई है मैंने बस पॉइंट्स अच्छे से लिख दिए और कुछ भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एनसीआरटी को बहुत ज्यादा छू के निकला जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इससे बन सकता वो है वो चीजें मैंने ऐड की हैं बस बाकी है ये एनसीआर ही कुछ अलग नहीं है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो एन समझाने की कोशिश किया बट हम उसको ग्रैफ नहीं कर पाए डी नहीं कर पाए तो यहाँ पे बता रहे हैं कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है पेडिसल और मेल और फीमेल पार्ट स्टेमन और आपका पिस्टल तो ये सारे पार्ट आपके फ्लावर में आप देखते हो अगर एक फूल लोगे ठीक है गुड़हल का फूल चाइना रोज हिबिस्कस जो आप देखते हो उसमें सबसे छोटा सबसे नीचे जब फूल तोड़ते हो तो उसकी हरी डंडी रहती है हरी डंडी से देते हो वो रोज देते हो ना लोग रोज आपके लिए वो डंडी जो होती है वो होता है आपका पेडिसल क्या होता है वो पेडिसल पेडिसल के ऊपर जब आप हिबिस्कस में देखते हो ठीक है तो वो छोटे छोटे वो ग्रीन कलर के पेटल जैसे ही निकले होते हैं उनको क्या कहते हैं सेपल कहते हैं ठीक है हरे रंग के छोटे छोटे निकले होते हैं उसके ऊपर होते हैं सुंदर सुंदर पंखुड़ियां जिसको आप पेटल कहते हैं और फिर उसके अंदर होता है फाइनली मेल और फीमेल वर्ल जिसको स्टेमन और पिस्टिल कहा जाता है स्टेमन में क्या होता है एंथर और फिलामेंट पिस्टिल में तीन पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ठीक है क्लियर हुआ क्लियर हुआ बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तगड़म बगड़म नहीं करेंगे देखो कैसे दिखता है तो जब आप फ्लावर देखते हो देखो ये हिबिस्कस है हिबिस्कस देख रहे हो हिबिस्कस जैसा ही एक फ्लावर है तो ये इसका पेडिसल है जो जहाँ से तोड़ते ये कई बार फ्लावर आप उसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सेपल हैं बड़े बड़े पेटल हैं और पेटल के अंदर जब आप देखोगे तो ये बीच वाला जो होता है जो सबसे अंदर होता है वो पिस्टल होता है और बाहर ये जो ढेर सारे निकले हैं वो क्या है स्टेमेन है जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर होता है क्या होता है फिलामेंट और एंथर फिलामेंट और एंथर क्या है ये लंबा वाला पार्ट फिलामेंट है और ये गोल मटोल सा जो ऊपर लगा हुआ है ये आपका एंथर जी इज इट बफरिंग अलॉट अभी क्लियर है बच्चों अभी क्लियर है लैग हो रहा है अभी क्लियर है इज इट फाइन नाउ जल्दी से बताओ अभी सही चल रहा है एक सेकेंड हां जी मैम एंथर पे थी हां जी तो एंथर आप देख सकते हो यहां पे है ये छोटू छोटू एंथर है आपका उसके आगे मैं बड़ी ही नहीं बहुत ज्यादा बफर हो रहा है आज चलो अभी ठीक है तो मो, मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं मोनोकार्पिक मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल चल तो मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन मोनो मतलब वन हो गया तो वन क्या है भाई यहाँ पे वन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है वन का मतलब है वो फ्लावर जो कि एक बार पूरी जिंदगी में फ्रूट देते हैं उनको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कौन से प्लांट जो पूरे जीवन में एक ही बार फ्लावर या फ्रूट दे रहे हैं उनको कहेंगे मोनोकार्पिक कौन से ऐसे हैं चावल के आप चावल उगाते हैं किसान लोग तो क्रॉप्स ग्रो करते हैं क्या कहते हैं फसल को साल भर में साल भर तो नहीं उगाते हैं दो तीन महीने में फसल को काट देते हैं वो क्या अगले साल फिर फसल देगी नहीं अगले साल नया बीज डालते हैं नया बीज डालते हैं ना फिर नया खेती करते हैं तो ये होंगे क्या एनुअल प्लांट दूसरे होते हैं बाइनियल जो दो साल में एक बार फ्लावर दे रहे हैं ये क्या है एनुअल दे, दे रहे हैं यानी एक ही बार दे रहे हैं बाइनियल मतलब ए, दो बार दे रहे हैं एक या दो बार दे रहे हैं ठीक है तो ये हो जाएंगे आपके एंड बाइनियल प्लांट जैसे कि रेडिश जितनी भी सब्जियां आप खा रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम गाजर मूली आटा चावल ये सारे एक भारी एक ही बार उगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे देखो गाजर मूली पैडी वीट ये सारे आपके मोनोकार्पिक प्लांट शो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज ये कौन से फेज हैं याद करो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि तीन तरह के फेज आते हैं कौन कौन से जुवेनाइल या वेजिटेटिव प्लांट में वेजिटेटिव ही कहते हैं जब प्लांट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता केवल एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो कर रहा है फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज जब उसमें फ्लावरिंग होती है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है तीसरा आता है फेज़ जिसको प्लांट का बुढ़ापा खत्म हो रहे होते हैं तब होता है उसका तो ये सारी चीजें आपको अगर साल में एक बार या दो साल में एक बार कोई प्लांट कर रहा है फ्लावर तो उनमें आप देख सकते हैं लेकिन अगर ऐसा कोई प्लांट है जिसको हम पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं जो साल कई साल तक ठीक है कई साल तक रहता है इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स इन देयर इंटायर लाइफ आर पॉलीकार्पिक प्लांट जो पूरे साल दर साल आपके फल देते रहते हैं फ्रूट देते रहते हैं उनको कहते हैं पॉलीकार्पिक ऐसे कौन से कई फ्रूट्स हैं हम जो फ्रूट्स खाते हैं मोस्टली वो होते हैं जैसे एप्पल हुआ गुआवा हुआ मैंगो आम के सीजन में आम निकलता है मैंगो एकदम मस्त वाला तो ये होते हैं पेरिनियल प्लांट जो कई साल तक लगातार फल दे रहे हैं ठीक है कई साल तक लगातार फल दे रहे हैं क्यों ये इनको जानना है क्यों इनमें प्रॉब्लम इनमें प्रॉब्लम आ जाती है इनमें आप नहीं बता सकते कब है इनका वेजिटेटिव फेज कब है इनका रिप्रोडक्टिव फेज और कब है इनका सेनेसेंस फेज क्योंकि ये भाई एक बार ग्रो कर रहे हैं वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिर सडनली सेक्शुअली करने लगते हैं फिर ये वेजिटेटिवली कर सकते हैं तो मतलब इनका फेज आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हो अब इनमें एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्यों है बांस का पेड़ कौन कौन जानता है बांस का पेड़ बैम्बू जिसको बैम्बू कहते हो आप लोग तो बांस का पेड़ जो है पूरी जिंदगी में बहुत साल जीता है लेकिन पूरी जिंदगी में एक ही बार फूल देता हर साल नहीं देता जीता बहुत साल है लेकिन पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फ्रूट देता और मर जाता है और इसकी लाइफ पचास से सौ साल तक होती है हो सकता हम भी खत्म हो जाए और ये रह जाए ठीक है तो इनमें देखा जाता है पचास से सौ साल में एक ही बार एक ही बार अपना ढेर सारा फ्रूट्स देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं उसी तरह एक और प्लांट है स्ट्रॉबिल्स कुंथियाना जिसको नीला कुरंजी कहते हैं अगर जो बच्चे केरला में रहते हैं कर्नाटका में और तमिलनाडु में रहते हैं उन्हें इस प्लांट के बारे में काफ़ी पता होगा केरला में तो कई चीज़ें इनके नाम से फेमस लोग इसके नाम से अपने शॉप का भी नाम रख लेते हैं तो ऐसा ये फ्लावर है ठीक है हाय मेघा देखो नीला कुरंजी फ्लावर जो पूरे बारह साल में एक ही बार खिलता है तो इनके फूल खुले हैं गुलशन गुलशन बारह साल में एक बार होता है और ये इन्हीं एरियाज में पाया जाता है हिली ट्रैक्स जो होते हैं हमारे कर्नाटका के, केरला के और तमिलनाडु के वहां पाया जाता है और ये देखा गया था 2006 में फिर 2018 में हुआ आप 2030 में उगेगा तो जब ये खिलता है ये फ्लावरिंग करता है तो पूरा रोड नीला कुरंजी नाम है ना ब्लू कलर का है ठीक है नीला का मतलब ब्लू होता है हिंदी में तो ब्लू कलर के होते पूरा ट्रैक इतना खूबसूरत दिखता है कि सिर्फ टूरिस्ट ये देखने आते हैं दिस इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इसका फ्लावर करना नेक्स्ट आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई कभी देखने जाए वैसे तो मैं कोशिश करूंगी 2030 तक मुझे याद रहे अगर आप लोग देखने जाए तो वीडियो जरूर के भेजना और किसी ने देख रखा है तो वो भी बताना यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होता है किसका फ्यूजन ऑफ गैमिट यानी गैमिट बन रहा है फीमेल और मेल गैमिट अलग अलग होंगे प्लांट में भी ठीक है प्लांट में भी अलग अलग होते हैं फीमेल और मेल गैमिट ये कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है ये हमने एयर इसमें हमारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक ही डिसएडवांटेज बहुत बड़ी हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कि बहुत स्लो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे इसमें ग्रोथ देखी जाती है एक बार में ऐसा नहीं सडनली बहुत सारे हो जाएं वेट करना पड़ता है ये रिप्रोड्यूस करें गमिट टाइप से ग्रो करें फिर ये फ्यूज करें उसके बाद अपना पी टाइम लें और उसके बाद फाइनली फ्रूट या फल दें तो आपको इसमें पेशेंस रखने वाला बात है और कॉम्प्लेक्स लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किस चीज़ का यहाँ पे वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है क्या देखने को मिलता है वेरिएशन जिससे सर्वाइवल के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं क्या क्या इवेंट होते हैं पहले फर्टिलाइजेशन सीधा नहीं होता उसके पहले कुछ इवेंट होते हैं जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्या कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन के पहले का फेज है फिर जाके गैमिट जब जा मिलते हैं तो होता है फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन तब इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद भी चीज़ें ग्रो होगी एम्ब्रियो बनेगा उसको कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन ठीक तो तीन इवेंट हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन में भी दो चीज़ें होती हैं क्या गैमिटोजेनेसिस क्या हो रहा है बच्चों गैमिटोजेनेसिस यानी गैमिट का फॉर्मेशन और दूसरा होता है गैमिट ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों गैमीट ट्रांसफर यानी गैमीट तो बन गया अलग अलग जगह बना बट इनको मिलना तो होगा फ्यूज़न के लिए मिलना तो होगा तो मिलने के लिए उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कैसे बहुत तरीके हैं उसी में आपका पॉलिनेशन भी आता है मेन पॉलिनेशन ही आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर होता है फ्यूज़न जब दोनों गैमिट्स मिल जाते हैं तो होता है फ्यूजन फ्यूज़न के बाद होगा जाइगोट फॉर्मेशन और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो यानी कि आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ऑर्गैन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं जेनेसिस क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्या करूँ मैं मर जाऊँ वाह बेटा वाह गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर दो चीज़ें सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर इस वक्त गैमेट फॉर्मेशन में आपके बहुत सारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर में जिससे गैमेट फॉर्मेशन होता है बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस देखे जाते हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस देखे जाते हैं इन फ्लोरसेंस देखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखी जाती है विच बी आर द फ्लोरल बर्ड्स एंड फ्लावर इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डिवेलप तो गैमिट फॉर्मेशन कौन कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम और फीमेल गाइनोशियम क्या हो रहा है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके क्या था स्टेमेन था स्टेमेन में क्या थी दो पार्ट क्या था फिलामेंट ये है आपका फिलामेंट लंबू सा एंथर ठीक तो ऐसा आपका पूरा स्टेम दिखता है क्या दिखता है स्टेमन दिखता है ठीक ये हुआ आपका स्टेमेन इसके ऊपर क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड्रोशियम कहते हैं

टेट्रागोनल दिख रहा है एक ये एक ये एक ये और एक ये चार पार्ट में दिख रहा है इसलिए इसको टेट्रागोनल कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया सिचुएटेड एट द एज टू पर लोब टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं बाईलोब डैम दे, यानी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एक ये लोब है और एक इसके पीछे छुपा हुआ एक और लोब है तो दो लोब में दो दो सैक्स होते हैं दो दो डिवीजन होते हैं इसलिए चार बन जाते हैं और उसमें जो माइक्रोस्पोरेंज स्पोर होते हैं वो इसके टर्मिनल पार्ट में एंड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन करना है अब क्या है लेटर माइक्रोस्पेरेंजिया पोलन सैक में डिवेलप हो जाते हैं किसमें डेवलप होते हैं पॉलन सैक इन कैप्सिला जो कि हमारा टिपिकल एनजीओ स्पर्म है उनमें क्या होता है मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली एंथरार डाय कैसा? डाय लेकिन टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप बट इन मालवेसी एंथर्स आर मतलब कि इनमें एक ही लोब होगा ठीक है क्रूसीफेरी और आपके ब्रासिकेसी में दो लोब होते हैं और हर लोब में दो आपके डिवीजन होंगे दो थीका होते हैं ठीक है इसलिए वो चार टेट्रास्पोरेंजिएट होंगे लेकिन आपका मालवेसी जो है वो मोनो मोनोथिकस होता है यानी कि उनमें एक ही लोब है और उसी में दो पार्ट डिवाइडर यानी पोरेंजिएट होंगे समझ लो इसका आधा पार्ट केवल आधा जब ले लोगे तो ये मालवेसी बन जाएगा और पूरा ले लोगे तो क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी बन जाएगा क्लियर है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंथर कैसा दिखता है अगर आप टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रेट्रा दिखेगा मैंने अभी दिखाया था ना चार पार्ट में डिवाइडेड दिखते हैं दिखता ना चार खान एक थाली होती है उसमें चार ऐसे बच्चों का प्लेट नहीं होता है चार कॉर्नर में रख देते हैं एक में चिप्स एक में कुछ एक में कुछ एक में कुछ तो उसको बड़ा मजा आता है मेरे पास वेराइटी हो गई है तो बस वैसा ही कुछ दिखता रहता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल्ड लेयर तो इसके अराउंड लेयर होती है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड लेयर होती है कैसी लेयर चार लेयर कौन सी लेयर होती है ये एंडोथीशियम ठीक है मीज मी, आपका मिडल लेयर और एपिडर्मिस और एक होता है टेपटम ठीक है क्या होता है टेपटम टेपटम तो हमारे पॉलिन ग्रेन में ही जाके मर्ज हो जाता है उसमें एक वॉल बनाता है ये तीनों जो हैं लेयर ये तीन लेयर एपिडर्मिस एंडोथीशियम और इसके बीच में होगा मिडिल लेयर ठीक है ये क्या करती हैं ये डिसेंस कराती हैं क्या कराती हैं डेहीसेंस ऑफ एंथर ठीक है यानी जब एंथर मच्योर हो जाता है उसमें बहुत सारे पोलिन ग्रेन बन जाते हैं ठीक है अब क्या होता है उस पोलिन ग्रेन को उनको पहुँचाना होता है स्टिग्मा में तो एंथर फट जाते हैं और उनमें से पोलिन ग्रेन छटक के आपके स्टेमिन तक जाते हैं जैसे भी जा रहे हो पॉलिनेशन कई तरीके से हो सकते हैं वो हम बात करेंगे तो ये तीन लेयर लेटकेसंस कराते हैं अंदर का और ये आपके पॉलिन में ही मर्ज हो जाता है कैसे वो हम बात करेंगे एपिडर्मिस क्या है सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं सिंगल सेल होती है और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है बाहर है यानी कि प्रोटेक्शन दे रही है नेक्स्ट है हमारी एंडोथीशियम जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है ये भी वन सेल्ड होती है आउटर वॉल रिमेन्स थिन बट इनर वॉल रेडियल होता है ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेल्यूलोस फाइबर इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं इतना आपके आएगा नहीं इतना ध्यान लो एंडोथीसियम बिकम हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर एंड हेल्प इन डहीसेंस ऑफ एंथर क्यों मैं इन फाइबर्स के बारे में आपको बता रही हूँ क्योंकि यही फाइबर आगे चल के हाइग्रोस्कोपिक हो जाते हैं और इन्हीं अंदर चेंज आता है जिसकी वजह से का मेन कारण बनता है प्रेशर पड़ता है एंथर की वॉल में और फाइनली वो फट जाते हैं देखो ऐसा दिखता है कुछ हमारा ये देखो एपिडर्मिस है सबसे बाहर सबसे आउटर लेयर उसके अंदर है एंडोथीसियम और सबसे अंदर उसकी टेपटम लेयर है सबसे अंदर वाली बीच में आएगी मिडिल लेयर, बीच में आएगी मिडिल लेयर ठीक और ये टेप्टम के अंदर आपका डायरेक्टली आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे मेगा स्पोरोजीनस टिश्यू मेगा स्पोर्स यही फॉर्म हो रहे हैं साइड साइड में देखो कॉर्नर पे चार कॉर्नर पे आपको मेगा स्पोर्स दिख रहे हैं ठीक है यही फॉर्मेशन करेंगे पॉल ग्रेन का कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे अब एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडिल लेयर और फाइनली मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल और फिर उसके अराउंड है टेपटम उसके अराउंड है टेपटम मिडिल लेयर, लेयर क्या कर रही है पैरन सेल है यानी कि इनमें डिवीजन की कैपेसिटी यानी ये स्टोरेज कर रही है किसका एक से दो सेल थे क्या पैरन कायमा का जब नाम आता है तो वो डेफिनेटली कुछ स्टोर कर रहा है यानी कि ये स्टोरेज का, का काम करिए किस चीज के स्टोरेज का, का काम करिए बच्चों फूड के स्टोरेज का किसके फूड के और यहीं से आपका टेपटम लेयर खाना अंदर लेता है टेपटम लेयर देखो कितना चालू है खुद नहीं खाना इतना बना रहा है मिडिल लेयर से मांग के आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल तक पहुंचा रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल तक पहुंचा रहा है मिडिल लेयर क्या होती है एफी मेरल होते हैं शॉर्ट लिफ्ट होती हैं और मेच्योर एंथर में ये एबसेंट होती है क्योंकि टेप्टम इनसे खाना ले लेके ये धीरे धीरे मैच्योर होते होते तक खत्म हो जाती हैं खत्म हो जाती हैं दे गेट डिमिनिश्ड आउटर थ्री लेयर क्या करती हैं प्रोटेक्शन करती हैं और डेहिसेंस ऑफ एंथर करने में मदद कर रही हैं लास्ट हमारी टेप्टम लेयर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पोलन का फाइनली पार्ट बनने वाली है कैसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर एंथर का इनर मोस्ट लेयर है लेकिन पोलन के जस्ट बाहर प्रेजेंट यानी मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल के जस्ट बाहर जो लेयर है वो है हमारी टेपटम लेयर ठीक गुड इवनिंग कोरल गुड इवनिंग मधु गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप लोग भूल गए थे आज मैम की क्लास है हाँ जी सिंगल लेयर थिक होते हैं एक लेयर से बनी होती है यानी सिंगल लेयर से बनी है साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है और मोर देन वन न्यूक्लियस होता है अभी ध्यान से देखना ठीक है ये आपका जो टेपटम है तो क्या होता है पिरामिड शेप सेल होते हैं कैसे शेप सेल होते हैं पिरामिडल से हो, सेल होते हैं और ये बड़े 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 सेल होते हैं बहुत बड़े बड़े सेल होते हैं तो इनमें जैसे जैसे बड़ा होते जाता है आपका एंथर वैसे वैसे इनमें डिवीजन देखा जाता है क्या देखा जाता है बच्चों डिवीजन देखा जाता है डिवीजन होता है बट साइटोप्लाज्म में आज सच नहीं होता न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस का केवल डिवीजन हो रहा है तो कई आपको टेपटम जब देखोगे तो ये मल्टी न्यूक्लियस होता है मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं इनिशियली ये डिप्लॉयड होता है बट पॉलीप्लॉयड बन जाता है क्योंकि कई न्यूक्लियस आ गए अगर कई न्यूक्लियस आ गए तो ये पॉलीप्लॉयड हो जाएगा पॉलीप्लॉयड समझ रहे हो ना डिप्लॉयड से देखिए डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम से काफी ज्यादा कई एक्स उसको कहते हैं पॉलीप्लॉयड टेप्टम डिसअपियर हो जाता है मेच्योर एंथर में डिसअपियर क्यों होता है ख़त्म नहीं होता है वो पॉलिन का ही पार्ट बनता है कैसे उसके एग्जाइन को बनाने में मदद करता है पॉलिन की दो लेयर होती है दो कवरिंग होती है एग्जाइन और इंटाइन एग्जाइन बाहर वाली होती है इंटाइन अंदर वाली होती है एग्जाइन को बनाने में आपका टेपटम मदद करता है यूबिश बॉडी के थ्रू ये सारी बातें हम आगे करेंगे टेप्टम फूड एब्जॉर्ब करता है मिडिल लेयर से और न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को बड़ा अच्छा है भैया कनेक्टिंग लिंग बना हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल को डेफिनेटली फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर पाए माइक्रोस्पोर्स बना पाए गैमीड बना पाए तो ये फूड देता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को बिफोर डिजेनरेशन टेप्टम क्या करता है स्पेशल ग्रेन्यूल बनाता है प्रोयूबिक बॉडीज क्या कहते हैं प्रोयूबिश बॉडीज ठीक है डी जेनरेशन से पहले अभी ये प्रो यूबिश बॉडी यानी कि यूबिश बॉडी सच बनी नहीं है उसका इनिशियल स्टेज है इनिशियल स्टेज है इनिशियल स्टेज में क्या होता है इसके अंदर स्पोरोपोलिनन आ जाता है क्या आ जाता है बच्चों स्पोरोपोलिनन ये क्या होती है ये एक ऐसा आपका ठीक है केमिकल है या कोटिंग है जिसको कोई भी एंजाइम ईजिली डिजोल्व नहीं कर सकता तो फाइनली जो एग्जाइन होता है हमारे पोलन ग्रेन का वो इन्हीं से बनता है तो टेपटम एक्चुअली पार्ट ऑफ पोलन बन जाता है पॉलीप्लॉइड ठीक है कई सेट, सेट। स्पोरन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन करता है फंक्शन ऑफ टेपटम क्या कर रहा है कनेक्टिंग लिंक बना रहा है फूड प्रोवाइड कराने में आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल को ठीक है एम एम सी प्राइमरी मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल और डेवलपिंग पॉलिन को नरिशेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन पॉलिन ग्रेन को ग्रो करने में मदद कर रहा है एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है और यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है ताकि आगे जाके वो एग्जाइन बना पाए पॉलिन किट का भी यही आपके सिक्रीशन कराता है पॉलिन किट क्या होता है हाँ जी ये क्या वर्ड आ गया पॉलिन किट तो अगर पोलन ग्रेन्स आपने देखे हैं चाइना रोज कितने बच्चों ने देखा है चाइना रोज चाइना रोज कितने बच्चों ने देखा है तो चाइना रोज को जब आप ऐसे हाथ में लेके रगड़ोगे ना तो आपके अंदर वाइट येलो कलर का पाउडर आ जाता है ठीक है येलो कलर का पाउडर जैसे झड़ता है तो पोलिन ग्रेन के ऊपर एक कोटिंग होती, होती कोटिंग होती है जो बहुत स्टिकी होती है ठीक है कोटिंग होती है जो बहुत स्टिकी होती है क्यों होती है वो स्टिकी क्योंकि जब कोई पॉलिनेटर आ रहा है जैसे कि कोई इंसेक्ट आ रहा है और उस फ्लावर पर बैठ रहा है तो ये पोलिन किट की मदद से उनके बॉडी पे चिपक जाते हैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स चिपक जाते हैं और इन्हीं का प्रोडक्शन में ये टेपटम मदद करता है क्लियर है बच्चों क्लियर है चलो स्ट्रक्चर ऑफ मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम मेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ना तो महंगा ही मेगा निकलना माइक्रोस्पोरेंजियम तो चार माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी थी ठीक है अब इनमें होगा क्या ये सर्कुलर होती है आउटलाइन में देखो गोली मटोली सी होती है यूजली सराउंडेड बाय फोर लेयर्स हमने चारों लेयर की बात कर ली यंग ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल विच ऑक्यूपाइज सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम तो माइक्रोस्पोरेंजियम ये जो बन रहा है आपका इसके अंदर इसके अंदर सेंटर में स्पोरोजीनस सेल होंगी कौन सी से सेल स्पोरोजीनस सेल ठीक है ये प्रेजेंट होते हैं जो फाइनली पोलन का फॉर्मेशन करते हैं चार पोलन सैक होते हैं जो कि टेट्रागोनल होता है तो आपका चार पोलन सैक बनते हैं माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म बाई मियोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल बाई मियोटिक डिवीजन क्योंकि ये होती है डिप्लोइड और इन्हें बनना होता है को इसलिए मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है पोलिन के अंदर और माइक्रोस्पोर आपके टेट्राड के फॉर्म में यानी कि चार सेल के फॉर्म में आपके दिखते तो हर हर माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर ये टेट्राड के फॉर्म में बन रहे हैं चार चार की तादाद में बनेंगे कैसे बनेंगे इनिशियल में ये स्पेरिकल या ओवल शेप स्ट्रक्चर होते हैं एंथर सिंगल थिक लेयर होता है एपिडर्मिस, वैस्कुलर टिश्यू मिडल रीजन में इनमें बनता है फिर इसमें आता है आर की स्पोरियल सेल कौन सी सेल आर की स्पोरियल सेल जो कि इनके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होती है एंथर शुरू से कैसा हो रहा है वो बता रहे हैं तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की स्पोरियल सेल होगा अब ये आर की स्पोरियल सेल बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल तो स्पोरोजीनस सेल ही आपका क्या बनाएंगी पॉलेन ग्रेन बट इसका क्या काम है पीपीसी प्राइमरी पेराइटल सेल का क्या काम है है भाई काम इसीलिए बना है पीपीसी क्या करता है डिवीजन करता है और तीन से पांच लेयर बनाता है जो कि सारी लेयर फॉर्म करती है क्या फॉर्म करती है बाकी की जो लेयर होती हैं आपके एंथर के अराउंड वो सारी प्राइमरी पराइटल सेल से फॉर्म होती है मेन स्पोरोजिनस सेल आपका स्पोर फॉर्मेशन करता है ये पहले माइटोट माइटोसिस करता है और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनानी है माइक्रोस्पोर्स अब समझ में आया पूरा सीरीज पूरा सीरीज क्लियर हुआ अब क्या हो रहा है हाँ जी बच्चा पार्डी जल्दी से बताइए सीरीज क्लियर हुआ अभी तो देखो एपिडर्मिस है एंथर है नॉर्मल है बाहर एक लेयर है एपिडर्मिस बाहर एक लेयर है एपिडर्मिस ठीक है बीच में आपके मेरिस्टमैटिक सेल हैं बस इतना ही है शुरू में आगे चल के क्या हुआ आर की स्पोरियल सेल बने कॉर्नर में देखो बन रहा है ठीक है ये फिर डिफ्रेंशिएट होंगे दो तरह के सेल में पराइटल सेल जो कि साइड में रहेंगे और स्पोरोजिनस सेल जो कि अंदर की तरफ बनते हैं यही प्राइमरी पेराइटल सेल क्योंकि अभी एक ही लेयर है और इसमें तीन से चार लेयर होते हैं अंतर में तो बाकी की लेयर कौन बना रहा है प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल आपका स्पोर फॉर्मेशन करता है स्पोर फॉर्मेशन क्या कहोगे इसको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है किसका माइक्रोस्पोर का या स्पोर मदर सेल का फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगी और क्या फॉर्म करेंगी माइक्रोस्पोर्स क्या फॉर्म करेंगी बच्चों माइक्रोस्पोर्स चमक गया भाई चमक गया सीक्वेंस बेटा वन पीएम पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं है लर्निंग ऐप पे यहां पे नहीं अनकेडमी लर्निंग ऐप पे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कहती है म्योसिस से डिवाइड करती है और चार एप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाती है क्या बनाती है चार माइक्रोस्पोर मदर सेल एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार माइक्रोस्पोर बना रही है या चार पॉलेन ग्रेन बना रही है और ये सारे होंगे क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ रहेगा इसमें मियोसिस हुआ रहेगा हाय वर्मा जी आफ्टर सो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर सेल्स कॉल्ड क्या कहलाता है माइक्रोस्पोरो genesis initially all four microspores are attached together with the help of callous layer to jo char microspore bane rahenge jo mega mother cell se bante wo pehle attached rahengi kis layer se callous se callous layer se attached rehti hain और tetrad के form में अरेंज होते हैं किसके form में tetrad? देखो ऐसा देख रहे हो Tetrad दिख रहा है आप लोग को चार cell ऐसे फूल की तरह अरेंज है टेट्राड के फॉर्म में लेकिन क्या होता है इनको तो बिखरना होता है क्लस्टर में तो रह नहीं सकते हैं नहीं बेटा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा वो फ्री क्लासेस हैं अन अकेडमी लर्निंग एप आप इंस्टॉल करोगे और साक्षी हंड्रेड कोड डाल के मेरी स्पेशल क्लास में आप फ्री एंट्री कर सकते हो ठीक है उसकी कोई जरूरत नहीं आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसकी कैलोज लेयर डिजोल्व हो जाती हैं टेप्टम से जो इंजाइम निकल रहा उसके थ्रू और फाइनली टेपटल सेल यूबिश बॉडी बनाती है जो कि आगे जाके एग्जाइन फॉर्मेशन करेगी हमारे पोलिन में यूबिश बॉडी और मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स आपके पॉलीमर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जिसको स्पोरोपोलिन कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूबिश बॉडी भी और स्पोरोपोलिन ये पूरा स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो आपके एनसीईआरटी में इसको दूर से छू के निकल गया है बट इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है यूबिश बॉडी के बारे में पॉलेन ग्रेन यूबिश बॉडी एग्जाइन बनाता है मैंने बोला ना स्पोरोपोलिन बना के एग्जाइन बना देगा स्पोरोपोलिन पे इतना एग्जरेट क्यों कर रहे हैं स्पोरोपोलिन एक ऐसी लेयर है जिसको इज़िली कोई भी इंज़ाइम डिजोल्व नहीं कर पाता तो अगर नहीं कर पाएगा तो हमारे स्पोर निकल के जाएंगे कैसे ये बताओ स्पोर कैसे हमारे उस पोलिन ग्रेन से निकलेंगे मेल गैमिट कैसे निकल के फीमेल तक पहुँचेगा पहुँचेगा भाई पहुँचेगा एग्जाइन पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं एक से एक दो पोर बीच बीच में छूटे रहते हैं जहां से एग्जाइन के में आपका स्पोरो का फॉर्मेशन नहीं होता वो एक एक पॉइंट की तरह होते हैं। वहीं से आपका मेल गैमेट निकलता और उसको कहते हैं बिल्कुल वसुंधरा उपोर आर कॉल्ड चलो ये सब तो हमने सीख लिया इन साइड आर फॉर्म क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल लगातार डिवाइड करती रह रही है और बहुत सारी माइक्रोस्पोर बन बना माइक्रोस्पोर बना रही है पोलिन ग्रेन को बना रही है ग्रेन रिलीज एट द टाइम ऑफ एंथर देहसेंस। देहसेंस के समय आपका पॉलन ग्रेन निकलता है और छितर बितर हो जाता है मोस्ट कॉमनली फाउंड टेट्रा फाउंडल होता है ये ठीक है पोलिन ग्रेन आपके कई तरीके से चार निकलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखा जाता है मोस्ट कॉमन आपके जो एनजीओ स्पर्म में देखा जाता है वो टेट्राहेड्रल देखा जाता है डाइकॉट्स में इस तरह एक पीछे की तरफ है तो थ्री डायमेंशनल अगर आपको दिखाएंगे तो बॉल की तरह दिखेगा एक पीछे की तरफ है मोनोकॉट्स में आइसो बायिटरल है चार की तरफ दिखते हैं डी कस्टेप में एक इधर है एक इसके पीछे और दो ऐसे रहते हैं टी शेप्ड होते हैं किसी किसी में किसी किसी में सीधे सीधे लीनियर लाइन में होते हैं तो ये आपको ऐसा सच जानना नहीं फैक्ट्स अबाउट पॉल एरोपोलन एरोपोलन क्या है ये एक एलर्जन है कोई लोग को आपने सुना होगा पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है अगर किसी वो फूल सूंघते नहीं है अगर वो फूल सूंघ लेंगे तो वो पोलन ग्रेन उनके नाक के अंदर जा सकती है और उनको एस्थमा जैसी बीमारी उससे हुई रहती है इतना एलर्जी हो जाता है कि उनको जान का भी खतरा हो सकता है तो बहुत लोग को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है उनको कहते हैं एयरो एलर्जन क्या कहते हैं उनको एरो एलर्जन जैसे कि आपके कैरेट ग्रास में देखा जाता है एमरैंथस में देखा जाता है आपसे इतना पार्थेनियम ये सब नहीं पूछेगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में पूछेगा एलर्जी क्या करती है वह एस्थमा ब्रोंकाइटिस हे फीवर हे फीवर इज वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके डिजीजेस वाले चैप्टर में भी आएगा हे फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पोलन ऑफ एम्ब्रोशिया से कॉज होता है पोलन ऑफ एम्ब्रोशिया से पारथीनियम क्या है केम इन टू इंडिया कंटेमिनेटेड इम्पोर्टेड विथ वीट कॉज पोल एनर्जी तो बाहर से जब वीट को इम्पोर्ट किया था हमारे देश में तो उसके साथ साथ क्या आ गया था पार्थेनियम नाम का एक कंटामिनेंट आ गया था जिससे पोलन एनर्जी बहुत तेज फैल गई थी स्नीजिंग आती है बेटा लोग सांस नहीं ले पाते हैं ठीक है इतनी एलर्जी हो जाती है कि रेस्पिरेटिव ट्रैक्ट में इतनी इरिटेशन हो जाती है कि लोग सांस ही नहीं ले पाते उनकी सांस रुकने लगती है तो बहुत छोटी बहुत एलर्जी तो होती है लोगों की लेकिन बहुत सीवियर एलर्जी भी लोग देख चुके हैं पोलिन ग्रेन से इसलिए लोग फूल से वो लोग दूर रहते हैं सम फैक्ट्स अबाउट ग्रेन तो पोलिन जो होते हैं आपके बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं क्यों न्यूट्रिशियस होते हैं उसके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं ठीक है यानी कि जर्म आपके जर्म सेल डेवलप हो रहे हैं यानी कि आपका मेल गैमिट डेवलप हो रहा है तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए न्यूट्रिशन देने के लिए पॉलन ग्रेन हर तरह का न्यूट्रिएंट रखा रहता है जैसे आपके प्लेसेंटा बॉडी से खाना ले लेके बच्चे तक पहुंचाती उसी तरह पॉलन भी पहले से स्टोरेज किया रहता है पहले से खाना स्टोर किया रहता है कि उसको बच्चे तक पहुंचाना है तो ये पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है ठीक है बहुत रिच एन न्यूट्रियट है इसको लोग फूड सप्लीमेंट की तरह लेने वाले लगते हैं एथलीट इसको लेने लगते हैं उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है इससे एनर्जी उनकी अचानक से इससे बढ़ जाती है वेस्टर्न कंट्री में मार्केट में टैबलेट और सिरप आ गई है पोलन की जिसको लोग इजीली कंज्यूम करते हैं ये आपके एनसीआरटी का ही पार्ट है पोलन कंजम्पशन हैज बिन तो क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो आप डर रेस देखते हो ना घोड़ों की रेस उसमें घोड़ों को ये खिलाया जाता है कि वो तेज भाग सके उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है उससे देखो कैसे वेस्टर्न कंट्री में टैबलेट बना बना के बेचा जा रहा है क्रीम जेली जाने क्या क्या बेच रहे हैं बेटा हम खा लेते हैं ना बाहर कोई इंजाइम उनको नहीं कर सकती हमारे बॉडी में तो वो टूट ही जाएगा हम उसको क्रश कर हमारे बॉडी में तो वो टूट जाएगा ठीक है हम थोड़े ना प्लांट में अपना वो डालेंगे कोई डाइजेस्टिव इंजाइम प्लांट के आसपास जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं किसी भी तरह का हार्मोन वो उसको नहीं पिघला सकता बेसिकली वहां बात हो रही है लार्जेस्ट पॉलन किसके मिराबिलिस के देखे गए हैं और सबसे छोटा पोलन मायोसोटिस का दोनों का नाम एम से है मिराबिलिस में सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन देखा जाता है और मायोसोटिस में सबसे छोटा लंबा में देखा गया है सी ग्रासेस में यह आपको नहीं याद रखना है बट हां मिराबिलिस का नाम पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूं मिराबिल का नाम ठीक है पूछा गया है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन इन सम सीरियल्स राइट राइस एंड पोलन ग्रेन लूज लूज वायबिलिटी इन थर्टी मिनट्स ऑफ देयर रिलीज तो कोई कोई पोलिन ग्रेन इतने वायबल होते इतने फ्रजाइल होते हैं कि आधे घंटे के अंदर उनके अंदर कैपेसिटी चली जाती है फर्टिलाइजेशन की ठीक है वायबल होने की ज़िंदा रहने की आधे घंटे के अंदर लेकिन कोई कोई पॉलिन साल के साल रह जाते हैं सालों साल ठीक है जैसे कि लेग्यूमिन ए सोलन ए इनकी वायबिलिटी कई महीने तक रहती है इसलिए इनको स्टोर किया जा सकता है सोचो अगर पॉलिन को स्टोर नहीं कर सकते तो कितना डिफ़िकल्ट होता सोचो अगर दाल चावल आज ही हुआ है और अगले दिन मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी वायबिलिटी खत्म हो चुकी है सड़ जाएगा अगले दिन सोचो हम खाना ही नहीं पाते वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी पे किस पे टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी पे पॉलन बैंक क्या होते हैं जैसे ब्लड बैंक होता है ना वैसे ही पॉलन बैंक भी होता है जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे पॉलन वहां पे ब्लड स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे पॉलेन ग्रेन का स्टोरेज होता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े किसी भी स्पीशीज बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो कि आपका धीरे धीरे डिमिनिश हो रही हैं खत्म हो रही हैं एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनके पॉलेन ग्रेन को बचा के रखा गया है कैसे माइनस वन डिग्री के लिक्विड नाइट्रोजन में अगर इनको प्रिजर्व किया जाए तो ये प्रिजर्व हो जाते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं इनको क्रायो प्रिजर्व करके पोलन बैंक में रखा जाता है कि भैया ये खत्म ना हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सोर्ड पॉलन ग्रेन फ्रॉम पोल ट्यूब सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इन पोलिन ग्रेन का यूज कर सकते हैं और इनसे और ज़्यादा आपकी वराइटीज को ग्रो कर सकते हैं माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री टेम्परेचर इतना ज़्यादा इतना लो लेवल पे रखना होता है इतना लेस टेम्परेचर पे रखना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलेन ग्रेन तो देखो हमने बताया था एक्साइन होता है सबसे बाहर उसके अंदर इंटाइन होता है तो जनरली स्पेरिकल होता है 25 से 50 माइक्रो मीटर इन डायमीटर होता है आपका पॉलेन ग्रेन इसके बाहर एक लेयर होती है जिसको एक्साइन कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिन से बनी है बहुत बार बता चुके हैं अंदर स्पोरोपोलिन क्या होती है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल है ठीक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनर वॉल ऑफ ग्रेन पोलग्रेन स्थिन्यूअस सॉफ्ट एंड इलास्टिक जिसको इंटाइन कहते हैं जो कि पेक्टिन सेल्यूलोज और पेक्टो पैक्टोसेल्यूलोज से बनी हुई है बाहर वाली किससे बनी है स्पोरोन से अंदर वाली और पेक्टोसेलोज ये डिजोल्व हो सकते हैं इजिली लेकिन जब स्पोरोपोलिन इसको कवर करता है तो कहीं कहीं ये स्पोरोपोलिन छोटे छोटे पोर छोड़ता है जिसको जंप पोर कहते हैं जिसको यहाँ पे मोनोकॉट में एक जंप पोर देखा गया है डाईकोट में तीन जंप पोर देखे जाते हैं ठीक है मोनोकॉट में लिख लो एक जम पोर देखा गया है और डायकॉट में आपके ठीक है तीन जम्पोर देखे जाते हैं ठीक चल इन टाइम कम्स आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू फॉर्म पॉलन ट्यूब तो यही पॉलन ट्यूब बनाती है जिससे पॉलन आपके मेल गैमिट फीमेल के ओवरी तक पहुंचते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टाइल ठीक है तो पॉलिन ट्यूब कौन बना रहा है इंटाइन इंटाइन प्रेशर लगाती है आउटर वॉल पे और जब जर्म पोल ऐसे पॉलिन को तो वो तोड़ नहीं पाएगी तो आपके जर्म पोल से वो निकल के बाहर एक पोलिन ट्यूब बनाती है जिससे मेल गैमिट ओवरी तक पहुंचता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं पैलिनो पैलिनोलॉजी क्या पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है ये प्रीवियस ईयर आया पेलिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है कैसा दिखता है हमारा पॉलन ग्रेन ट्राइकॉलपेट मोनोकॉल्पेट जब एक तीन जर्म पोल प्रेजेंट है जैसे कि डाइकॉट में और एक जर्म पोल प्रेजेंट है तो मोनोकॉट में ट्राइकॉल्पेट और मोनोकॉलपेट पॉलन ग्रेन है पॉलेन किट मैंने अभी समझाया पॉलिन किट कौन बना रहा है आपका टेपटम टेपटम सिक्रीशन कर रहा है जिससे पॉलिन किट बन रही है जो कि एक सिक्रीटरी मटेरियल है बहुत ही चिपचिपी सी लिपिड से बनी है ऑयली होता है और ये क्यों होता है ताकि जब भी कोई भी भवरा कोई भी इंसेक्ट आके उस पर बैठे तो उस पर ईजिली पॉलिन ग्रेन चिपक जाए ठीक है फंक्शन ऑफ पॉलिन किट ऑयली लेयर प्रोटेक्ट्स पॉलिन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज और क्या करता है स्टिकी सरफेस हेल्प टू अटैच विद द इंसेक्ट इट इज येलो इन कलर अट्रैक्ट द इंसेक्ट इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट कैप्सिला कैप्सिला में ये इंसेक्ट को येलो कलर की वजह से अपने कलर की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पैलिनोलॉजी बेटा वाई होगा ठीक है वाई होगा डहीसेंस ऑफ एंथर यानी कि अब जब पॉलिन ग्रेन खूब सारे बन गए उनका आप डेंस होगा डहीसेंस होगा हो मतलब एंथर यानी कि आप फटेंगे और पॉलिन ग्रेन डिस्पर्स होना शुरू करेंगे उसमें से बिखरना मिडिल लेयर डिजनरेट हो जाती है ठीक है क्योंकि टेप्टम उससे पूरा फूड ले लिया होता है मेच्योर एंथर है स्टू लेयर एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दो ही लेयर बची टेप्टम के बाहर टेप्टम तो यूबिश बॉडी बना लेगी ठीक है यूबिश बॉडी बना लेगी डेसेंस ऑफ एंथर अकर ड्यूरिंग ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एंडोथीशियम तो डेंस क्यों हो रहा है जब ड्राई सीजन आता है तो पानी बहुत बुरी तरह एंडोथीशियम से निकलने लगता है बहुत तेज जब पानी निकलने लगे कि कोई चीज़ कड़ी होने लगेगी ठीक है पहले क्या होगी पानी की वजह से थोड़ी सॉफ्ट होगी लेकिन जब पानी खत्म होगा तो वो कड़ी होने लगेगी और धीरे धीरे प्रेशर लगाने लगेगी कड़कपन से अपने कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी और कॉनकेव और इनकर्व बन जाती है तो कैसे आपके ऑस्मोसिस में होता है जब पानी बाहर निकलने लगता है तो आपकी सेल सिकुड़ने लगती है कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है वही काम हो रहा है पानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे ये लेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रही सिकुड़ रही है कड़ी होते जा रही है और ये फोर्स लगाएगी बाहर वाले सेल पे ये कर्व होती जाएगी और आउटर सेल पे अपने फोर्स लगाती है और वहां से वो बाहर वाली सेल को फट जाती हैं दोनों सेल एक साथ फट जाती हैं और डहेसेंस होता है ड्यू टू पोलिंग फोर्स और टेंशन थिन वॉल स्टोमियल सेल ब्रेक्स ऑफ एंड डहेसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस एज़ सिंपल एज़ दैट पोलन सेक्स आर रिलीज पोलन ग्रेन्स इनटू दी एटमॉस्फेयर और ऐसे आपके पोलन ग्रेन्स पोलन सैक से बाहर आ जाते हैं बेटा यहां पे 11 12th और dropper 3 क्लास के बच्चे हैं एलेवेंथ ट्वेल्थ एंड ड्रॉपर मैक्रो ऑफ़ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट एक सेकेंड रुको देखें कितना बचा है अगर ज्यादा होगा तो वी विल टेक इट टमोरो चलो कर दूँ पूरा पंद्रह बीस मिनट लगेंगे शुड आई डू इट टूडे तो ये वाला पढ़ लेते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वर्मा जी हम आपके क्वेश्चन पे आ रहे हैं रुक जाइए पार्शियल जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन स्टार्ट बिफोर डेहीसेंस ऑफ एंथर तो आपका जो पॉलेन ग्रेन के अंदर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं बिफोर डेहीसेंस क्या चेंजेस आते हैं पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं हम लोग उसके अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है बट मेल गैमिट कहाँ है भाई मेल गैमिट तो बना ही नहीं कहाँ है मेल गैमिट हमें तो गैमिट ट्रांसफर करना है गैमिट तो बना ही नहीं तो उसके पहले कुछ चेंजेस होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर क्या चेंज होते हैं इन साइड द पॉलन ग्रेन इन सूटूर डिवेलपमेंट होता है मानिए कि अंदर ही अंदर उनके डिवेलपमेंट होता है दो इवेंट होते हैं डिवीजन होता है ठीक है प्री पॉलिनेशन डिवेलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डिवेलपमेंट तो जो पॉलिनेशन के पहले आपके चेंजेस आ रहे हैं उनको कहेंगे प्री पोलिनेशन डिवेलपमेंट ठीक है और बाद जो होंगे उन्हें पोस्ट पॉलिनेशन डिवेलपमेंट प्री पॉलिनेशन डिवेलपमेंट क्या है न्यूक्लियस जो पॉलिन ग्रेन का होगा वो अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन करेगा और दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बनाएगा जिसको वेजिटेटिव सेल और आप दूसरा कहते हो जेनरेटिव सेल दूसरा क्या होता है आपका जेनरेटिव सेल दो तरह के सेल बनाता अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन है एक बड़ा बनेगा यानी वेजिटेटिव बड़ा और जेनरेटिव छोटा सेल बनता है ठीक है क्या हो रहा है आपका बड़ा सा वेजिटेटिव सेल बन रहा और छोटू सा जेनरेटिव सेल बन रहा वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल क्या होते हैं मेच्योर पॉलिन ग्रेन के अंदर होते हैं कई पॉलन इसी स्टेज में डहीसेंस कर जाते हैं कई पोलन इसी स्टेज में डहीसेंस कर जाते हैं और कई पॉलन एक स्टेप और फॉरवर्ड जाते हैं तो जो इसी पॉ इसी स्टेज में पोलन आपके डहीसेंस करते हैं वो पार्शली डेवलप मेल गेमेटोफाइट कहलाते हैं ठीक है पार्शली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट मतलब क्योंकि अभी मेल गैमेट बना ही नहीं अभी तो जो क्या आपके जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ही बने ये जो जेनरेटिव सेल है छोटू सा होता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटो में तैरता रहता है स्विमिंग करता रहता है ठीक है क्योंकि छोटू सा रहता है तो अपना आराम से फ्लोट करता रहता है आपके वेजिटेटिव सेल के साइटो प्लाज्मे सिक्सटी परसेंट एनजीओ स्पाम इसी स्टेट में डेवलप शेड करते हैं इसी स्टेट में डेहिसेंस करते हैं साठ परसेंट ऑफ एनजीओ स्पॉम बिल्कुल सही प्रिया लेकिन जो 40 परसेंट बचे हैं अभी वो भी तो बचे हैं वो कैसे जाएंगे रिमेनिंग स्पेसीज में क्या होता है जेनेटिड सेल माइटोसिस से डिवाइड करती है किसमें दो मेल गैमेट में किसमें दो मेल गैमेट में बिफोर पॉलन इज शेड और ये बनाता है थ्री शेल स्टेज चालीस परसेंट जो तकरीबन बच रहे हैं वो इस थ्री शेल स्टेज में ही बनते हैं अब आगे आपका मेल गैमेट बन गया यहाँ पे मेल गैमिट बन गया दो मेल गैमिट बने ध्यान देना दो मेल गैमिट बने और दोनों का काम है क्योंकि दो मेल गैमिट बने तो थ्री सेल स्टेज में मोस्ट ऑफ दी टू सेल स्टेज में आते हैं बाकी थ्री सेल स्टेज में जा रहे हैं तो इस तरह का कुछ मियोसिस हो रहा है माइटोसिस मियोसिस कैसे हो रहा है मियोसिस हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल में टेट्राट बना था टेट्राट के अंदर डिवीजन हुआ अब यहाँ माइटोसिस होगा तो एक आपका वेजिटेटिव सेल बनेगा जो बड़ा सा छोटू सा जेनेटिव सेल ये जेनेटिव सेल थ्री स्टेज सेल में बनाता है जिसमें दो मेल मेलग्रामिड बनते हैं और एक वेजिटेटिव बना रहता है तो या तो साठ परसेंट आपके एनजीओ स्पम इस स्टेज में डहीसेंस होता है और बाकी के जो अलग इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्लांट में उनमें थ्री स्टेज में होता है पोस्ट पॉलिनेशन डिवेलपमेंट क्या हो रहा है पोलिन ग्रेन फर्दर डेवलप ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है वो हम कल करेंगे कि पॉलिनेशन हो कैसे रहा है कौन कौन पॉलिनेशन कर रहा है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे आज हम ये पढ़ेंगे जब पॉलिनेशन हो जाएगा यानी कि एंथर ऑफ जो आपके स्टेमिन रहेगा वहाँ से फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक पहुँच गया है पॉलिन कैसे पहुँचा है वो हम बाद में देखेंगे अभी जब पहुँच जाता है तो क्या होता है ये मॉइस्टर ऑब्जॉर्ब करता है शुगर ऑब्सॉर्ब करता है कहाँ से आपके स्टिग्मा के ऊपर से और अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ा लेता है इसके बढ़ने की वजह से इसमें प्रेशर लगता है और बाहर की तरफ निकलता है और क्या बनाता है पॉलेंट ट्यूब बनाता है क्या बनाता है बच्चों पॉलेंड ट्यूब बनाता है अब यह ट्यूब कहाँ ग्रो करेगा स्टिग्मा से निकला है स्टाइल के अंदर जाएगा और होते हुए आपकी ओवरी तक पहुंचेगा कहाँ तक पहुंचेगा Ovary तक पहुंचेगा हाँ वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा होता है स्टिग्मा एंड और यहाँ पे आपका जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है इनटू मेल गैमेट जो टू सेल स्टेज में गए होंगे वो इस समय डिवाइड करते हैं इंटू टू मेल गैमिट चलो अब क्या मेल गैमेट क्या करेंगे मैच्योर होंगे और थ्री सेल स्टेज बनाते हैं फाइनली मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पॉम हाईली रिड्यूस्ड एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट ठीक है जो मेल गैमेटोफाइट है वो पूरी तरह से आपके स्पोरोफाइट पे डिपेंड करते हैं कैसे चलो देखते हैं यानी कि आपके किस पे वेजिटेटिव सेल पर इस समय पूरी तरह निर्भर है यहाँ पे क्या हो रहा है जर्म पोल है आपका पहले शुरू शुरू में इसमें एक्साइन है 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 न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में और जर्म वेजिटेटिव पार्ट बन रहा, और पार्ट हो रहा है, है रहा। और जेनरेटिव ये छोटू सा रहा ठीक है फिर ये डिवाइड होगा और फिर क्या हो रहा है आपका पॉलिन ट्यूब जब ये ट्रांसफर होगा तो पॉलेंड ट्यूब बन रहा है क्या बन रहा है पॉलेंड ट्यूब पॉलेंड ट्यूब में आपका सबसे आगे जा रहा है आपका वेजिटेटिव सेल जिसको ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे हैं और पीछे चल रहा है जेनरेटिव सेल ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ता है और जेनरेटिव सेल दो मेल गैमिट में डिवाइड कर जाता है मेल गैमिट जो कि सिक्सटी परसेंट स्पर्म में देखा जाता है दो मेल गैमिट में ये डिवाइड कर गया है बेटा वो शुरू से नहीं आया होगा ना अभी कोई पढ़ेगा तो उसको भी कन्फ्यूजन होगा ठीक है अभी वो शुरू से नहीं था कोई बात नहीं राहुल आप रिकॉर्डेड पूरा देख लेना बेटा अगर कोई भी आपको डाउट आएगा प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन साक्षी हंड्रेड टेलीग्राम चैनल एंड मी आउट ओके किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछ लेना पॉल एंड ग्रेन सेल से बाहर कैसे आएगा किस सेल से पॉल ग्रेन किस सेल से डेहिसेंस के वक्त ही तो बाहर आ रहा है जब आपका एंथर का ऊपर का कवरिंग फट रहा है तो पॉलिन ग्रेन बाहर आ जा रहा है ठीक है चलो जल्दी से क्विज पे आते हैं कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोल दो लेट्स क्रैक इट टाइम यस लेट्स क्रैक इट टाइम हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिर यहाँ चैट अटक गई है मेरी एक सेकेंड कम ऑन एवरीवान आप लोग आंसर दे नहीं रहे हो या आ नहीं रहा है हाई गाइज हाँ दिख रहा है सी आर आई सी आर आई डी रहा है, यस एक मिनट हाय तारक मेहता लेट्स सी एंड डी इज़ करेक्ट आंसर आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ़ माइक्रोस्पोरेंजियम पूछ रहा है सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है सबसे अंदर टेपटम होता है चार लेयर होती है कैलेज इंजाइम विच डिजॉल्व कैलोज ऑफ पॉलेंट एट्रास टू सेपरेट फोर पॉलन इज प्रोवाइडेड बाय तो कैलेज इंजाइम को कौन डिजोल्व कर रहा है जल्दी बताओ जल्दी कम ऑन एवरी वन बी आ रहा है बी आ रहा है लेट सी एंड बी इज द करेक्ट आंसर टेपटम से ही निकलती सबसे अंदर वाली लेयर है यार वही निकालेगी टेपटम को बहुत इंपॉर्टेंट फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कम ऑन एवरीवन बी आ रहा है बी ए आ रहा है ए लेट्स सी एंड ए इज द करेक्ट आंसर पी महेश्वरी है पी महेश्वरी इज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी That cell with divides by डिवाइड to माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक दैट cell सेल divide डिवाइड mitosis माइटोसिस टू फॉर्म sac. सैक मतलब कवरिंग ए आ रहा है ए, ए आ रहा समर्थ राहुल वर्मा जी वसुंधरा प्रिया यस सी होगा फंक्शनल मेगा स्पोर कौन बनाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर थोड़ा सा ये गूगली क्वेश्चन है कोई बात नहीं एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ एंथर इज जनरली कंपोज ऑफ एंथर इज जनरली कंपोज ऑफ कितने स्पोर से बनता है ये मैंने शुरू में दिखाया था आर्सियल सेल दो चीज में डिवाइड करता है एक प्राइमरी और दूसरा स्पोरेंजिया कितने बन रहे थे डी आ रहा है डी डी आ आ रहा है, आ रहा है है श्योरो चार स्पोरेंजिया बन रहे थे मुझे तो नहीं लगता सही बोल रहे हो क्या बात है स्पोरेंजिया क्या बात है कंफ्यूज नहीं होते हो बेटा डेली राहुल सुबह आठ बजे शाम को पांच बजे और रात में आठ बजे तीन क्लास चलती है मेरी डेली माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एनजीओ इज़ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एनजीओ स्म्रोस्म सुबह आठ बजे एनसीआरटी पढ़ाती हूं मैं सिर्फ और शाम को पांच बजे और आठ बजे इस तरह की क्लासेस चलती है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है ठीक ए ए, ए। ए आ रहा है माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहा है बेटा जी डी होगा स्टेमेन ध्यान से पढ़ो यार यूनिट पूछ रहा है आपसे स्टेमेन बनाता है पूरे स्टेमेन को मिला के एंड्रोशियम माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स टू इन ईच लो माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवेलपेंट माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डिवेलपेंट यार यही लाइन दे था ऊपर की लाइन तो बेकार है हमारे लिए यूनानी के लिए आई थिंक बेटा उर्दू इज नेसेसरी फॉर अनम आई थिंक सो आपको उर्दू आती होगी मोस्टली अरेबिक आती है ना अरेबिक भी बहुत है ए आ रहा है सी आ रहा है लेट्स सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं सैग बनाते हैं द प्लांट इन विच फ्लॉरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस ओनली वंस इन द होल लाइफ आर कॉल्ड वंस इन अ होल लाइफ टेन मोर सेकेंड ए आ रहा है समर से शोभना ए बोल रही है अनमेंथ का सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक सो बेटा उसमें प्रॉब्लम होगी मोनोकार्पिक आई डोंट थिंक सो so, अनम उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए स्पोरोन इज फाउंड ये तो मैंने दसन बार बोला अभी गड़बड़ की ना तो ये फ्लाइंग हथौड़ा जाएगा यहां से ये फ्लाइंग हथौड़ा यहीं से फेंकूंगी अगर ये गड़बड़ की है ए आ रहा है ए आ रहा है ए आ रहा है एंड इट इज द राइट आंसर एग्जाइन गला फाड़ फाड़ के मैंने दसन बार बताया है वायबिलिटी ऑफ पॉल एंड ग्रेन डिपेंड ऑन वायबिलिटी ऑफ पॉल एंड ग्रेन डिपेंड ऑन हाँ जी वर्मा जी आपका आंसर ही दे रहे हैं बस ये खत्म होने तो हम आपका ही आंसर क्योंकि आप क्वेश्चन हम एक पूछेंगे आप फिर एक और पूछोगे फिर हम एक पूछेंगे फिर आप एक और पूछोगे तो एक बार में क्लियर करेंगे चलो अरे एक कैसे होगा डी होगा डी होगा बिल्कुल ए और बी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है दे रहे हैं दे रहे हैं चलो दैट सेट फॉर टूडे तो आप शर्मा जी पूछ रहे हैं हमसे कि स्पोरोपोलिनन को एज सच अभी तक तो कोई इंजाइम नहीं पाई गई है जो खत्म कर सकती है तो बेटा इन रिस्पेक्ट टू वो प्लांट पाया गया है अभी रिसेंट रिसर्च किया गया है जिसमें कैटलेस को देखा गया है कि ये स्पोरोपोलिनन को डिजोल्व करने में सक्षम है तो हमारे बॉडी में जब ये पोलिन ग्रेन जाते हैं तो आउटर कवरिंग अगर नहीं भी डिजोल्व होता आती है तो जम्पोर से ये न्यूट्रिशन निकल जाते हैं और स्पोरोपोलिन अगर बच भी जाता है डाइजेस्ट वैसे तो हमारे एंजाइम बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है पेट के अंदर एसिड कंटेंट होता है तो बहुत बार उसको डिजोल्व करते नहीं कर पाते हैं तो आपके इस जर्म पोर से आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है और स्पोरोपोलिन एज इट इज एक्सक्रीट हो जाता है ठीक है वेस्ट तो हम भी निकालते हैं तो एक्सक्रीट हो जाता है ठीक क्लियर है स्प्राइट नो बकवास चलो तो बेटा ये बैच आ रहा है जिसमें ट्वेंटी ईयर्स पी क्यूज लगवाएंगे सारे एजुकेटर प्लस पे आपके आ रहा है इसके अलावा एक और एक और बैच शुरू आ रहा है जिसमें 90 डेज रिवीजन हो रहे हैं इसमें बहुत ही फेमस एजुकेटर्स हैं जो प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने वाले हैं तो बी वेरी इफ़ यू वांट टू बी इन दिस बैच 24 मार्च से शुरू हो रहा है बहुत जल्द शुरू होने वाला है और नब्बे दिन में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे इसके अलावा अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो डे आर डिफरेंट ड्यूरेशन का वन मंथ थ्री मंथ इतना मैं नहीं कहूंगी गो फॉर एटलीस्ट सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ और साक्षी हंड्रेड आप कोड लगाएंगे तो इससे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इमिडिएटली और यही मेरा टेलीग्राम आई डी है यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली जॉइन मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप थ्रू दिस आई डी इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लग रहे हैं अलग अलग एजुकेटर के जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग दिन तो आप कोई भी दिन या किसी भी टेस्ट को देना चाहते हैं तो आप फ्री दे सकते हैं इसके अलावा कॉम्बैट चल रहा हर संडे जिसमें हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिली है और फ्री इनरोलमेंट है साक्षी हंड्रेड आज आपका डाउट खत्म हुआ है आज ले के तो आइए आप अपना डाउट किसने मना किया है हम तो टेलीग्राम पे भी रात में एक बजे तक आपका डाउट ही सॉल्व करते रहते हैं तो काय को टेंशन मुझे तो बड़ा मजा आता है जब डाउट पूछते हैं बच्चे आप लेके तो आओ मैं तो एम ही आपका डाउट सॉल्व करा दूंगी साक्षी हंड्रेड से आप कॉम्बैट में रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है अगर आप कॉम्बैट जीतते हैं ये नहीं कह रहे आओ आओ ले जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के आपके क्या है डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन है साक्षी हंड्रेड कोड लगाने से आपको इमीडिएट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है साथ साथ अगर आप साक्षी हंड्रेड लगाएंगे तो यू विल बी अंडर माई पर्सनल गाइडेंस मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाली हूँ समर्थ बेटा कल मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया बहुत इंपॉर्टेंट आई डोंट नो कितने लोग को पसंद आया बट मुझे दो से तीन बच्चों का मैसेज आता है एंड दे रियली लाइक और वो डेली अपने टारगेट बना के मुझे भेज रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो मुझे इतना भरोसा है कि आपको उसमें से कम से कम एक से दो पॉइंट में ये नहीं कह रही पूरा लेक्चर आपको हो सकता है सबको अलग अलग चीजें पसंद आए लेकिन उसमें कम से कम आपको एक से दो पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपको नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हेल्प करने वाला है पूरा स्ट्रैटेजी आपको बना के दिया है ठीक है कल ये सेशन लिया था मैंने रात आठ बजे मेरे नाम से ढूंढना फोर पॉइंट फाइव तो स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा साक्षी लिख देना यू विल गेट चलो लाइव स्ट्रीम कल सुबह आठ बजे होगी यार अभी पूछ लेना ना बता देंगे एंड दिस इज माई अन प्रोफाइल यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अब ये डाउट का ये मतलब नहीं कि सारे चैप्टर के डाउट एक साथ लेके आ जाओगे जो चैप्टर कर रहे हो उसका मैं सॉल्व करी बाकी आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए नहीं तो मैं तो यहीं रह जाऊंगी रात भर यहीं बैठी रहूंगी कि बच्चों आओ आओ, आओ डाउट पूछो चलो तो फॉलो कर लो मुझे अन पे पर वन पी डेली मेरी स्पेशल क्लास लगती है और इसके अलावा यूट्यूब पे आठ बजे पाँच बजे और रात में आठ बजे तीन क्लासेस लगती हैं स्पेशल पे एक, एक बजे लगती है रोज ठीक थैंक यू एवरीवन, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोक देना शेयर कर देना सेशन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट करना एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही हैं लाइक like कर दो यार अच्छा लगा है तो डिसलाइक वाले ज़्यादा आ जाते हैं आपसे हैं चल बाय बाय अ ग्रेट डे गुड नाइट बच्चों